नाम है चाचा? कैलासुराम। क्या लगता है वोट देते हैं तो इला रोडवा के बारे में नहीं बोलते हैं? बना दीजिए। अरे कहते कहते थक जाते हैं, कहा करें। हाँ हाँ होगा होगा, नहीं होता है, कहा करें। मतलब कितना बड़ा क्या लगता है भाई, ये रोड कभी बनेगा? अब आप लोग का, आप लोग जवान हो गए लगता है बचपन से। इस बार देखते हैं, अगर जयराम महतो अगर चाहते तो इधर रोड बन जाएगा, अगर जयराम महतो खड़ा होगा तो। मतलब जयराम महतो को आप लोग सपोर्ट करिएगा इस बार क्या? जी पूरी तरह से पूरी तरह सपोर्ट। सब सब विधायक इधर वाला का सब देख करके बैठ चुके हैं। आते हैं क्या बोलते हैं, बीजेपी सरकार, वो प्रकाश राम जी आए थे, बहुत मोदी जी हैं, वो सब आते हैं, खाली कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं एक व्यक्ति पर। हम लोग ठान के कहते हैं, अब 5 किलो कहा देते हैं हम लोग के, रोजगार दीजिए 5 किलो, जगह हम 5 क्विंटल खरीदने के लिए औकात रखते हैं। सही बात है। हाँ सही बात। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें 5 किलो अनाज। हम लोग एक चाहते हैं टाइगर जयराम महतो का, मतलब लातेहार में भी टाइगर जयराम महतो का लहर है। हाँ लहर है, लहर है। रोड कब भी बनेगा जीवन में? आप लोग का बाल पक गया लगता है, बाल बच्चा आपका आने वाला है जीवन में यहाँ पे, उसके बाद भी रोड नहीं बना अभी तक। कहाँ बनेगा ये, कल नेता लोग घुसखोर रहे थे, बनेगा बनेगा खाली बोलता है, वोट लेगा इसके बाद कहाँ सुतल है कि कहाँ जनता मर रहा है, कोई देखने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं देखने के लिए, देखने तक नहीं आता है। अभी हम लोग झारखंड के लातेहार जिला में हैं और ये कहकर के बड़ा अजीब लगता है कि झारखंड संपूर्ण झारखंड है, विकसित झारखंड है, परिपूर्ण झारखंड है। अफसोस लगता है बोलते वक्त, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दशक झारखंड अलग हुए हो गया बिहार से, लेकिन विकास के नाम पर भी और बी भी नहीं मिला है झारखंड के लोगों को। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यह पत्थर आपको दिख रहा होगा कांटा की जैसा, यह सड़क में है और सड़क पिछले 2 दशकों से एक बार भी नहीं बना है। जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, वो गांव का नाम क्या है भैया? हिसरी गांव में है, फुलसू पंचायत के हिसरी गांव में है और इस गांव का दशा को आज दिखाने के लिए यहां पे पहुंचे हम लोग ग्राउंड जीरो से। अब सोचने वाली बात है, भैया लोग सही जानते हैं कि वोटवा आखिर किधर जा रहा है, रोडवा नहीं बन रहा है, वोट कैसे दे रहे हैं? क्या नाम है चाचा? कैलासुराम। क्या लगता है वोट देते हैं तो इला रोडवा के बारे में नहीं बोलते हैं? बना दीजिए। अरे कहते कहते थक जाते हैं, कहा करें। हाँ हाँ होगा होगा, नहीं होता है, कहा करें। थक गए कहते कहते विधायक, विधायक जी को बोलते नहीं है कि इला रोडवा पहले बनाइए तब वोट देंगे? बोलते हैं ना, तो कहता है कि बनबे करेगा, बनबे करेगा, कहा करेंगे। मैंने खाली बोलता है, आश्वासन मिलता है। हाँ खाली, हाँ 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 करते रहता है, कहा करेंगे जनता। तो अब फिर दीजिएगा कि नहीं वोट? अभी चुनाव आ रहा है सामने, मिलबिन करेगा नेता लोग के, देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। कहाँ पे मतलब फिर से वैसे ही दीजिएगा, कुछ बोलिएगा कि नहीं, वादा वादा लीजिएगा कि नहीं? कैसे नहीं, मांगबिन करेंगे। फिर रोड हम लोग के देखिए गांव में कैसा चल रहा है, इसे हो रहा है, इसे पत्थर पूरा हेरहेराल है, तो रेंगते हैं, बुलते हैं, ठेस जाते हैं, गिर पड़ते जाते हैं। इंसान अगर यदि इस रास्ते में गिर जाए तो उसका नाक मुंह सब फट सकता है, ये पत्थर देख करके आपको अंदाजा लगा। ऐसा ही हर जगह है, पूरा गांव में आप जाइए, एक बार भी नहीं बना है, समझने वाली बात है, एक बार भी रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। मिट्टी मोरम जो होता है वो भी नहीं हुआ लगता है इसमें कभी जीवन में। क्या नाम है भैया? सुरेश गुरा। क्या लगता है इस रोड में? ये रोड तो पूरा जंजर है सर, हम लोग तो कितना पर दिए हैं, पंचायत ग्राम आम सभा होता है ना, उसमें भी देते हैं, लिखा तो रजिस्टर में लिखता है, बस कुछ यहाँ के मिल जाएगा अबर में 2024 में 25 में मिलिए जाएगा, अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा विधायक जी का नाम जानते हैं? विधायक जी तो यहाँ एबेन करता है, बस एबो करता है तो उधर से घूम जाता है, उधर बालुमा तक या चांदवा तक आता है, उधर से घूम जाते हैं। अच्छा विधायक जी का नाम क्या है? बजनाथ राम जी। कभी नहीं आते यहाँ पे? कभी नहीं आए सर। अब सोचिए बजनाथ राम जी वोट लेके मलाई खाइएगा खाली एसी वाला रूम में, आप यहाँ कौन आएगा इस गांव में जी? वोट लेकर के मलाई खाने के लिए आपको जनता यहाँ जिताई है, यहाँ से शर्म करिए, शर्म। ऐसे गुस्सा नहीं आता आप लोगों के ऊपर? पिछले 2 दशक हो गया, रास्ता का हालत देखिए गांव में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामलाल। क्या लगता है ये रोड कब भी बनेगा जीवन में? आप लोग का बाल पक गया लगता है, बाल बच्चा आपका आने वाला है जीवन में यहाँ पे, उसके बाद भी रोड नहीं बना अभी तक। कहाँ बनेगा ये, कल नेता लोग घुसखोर रहे थे, बनेगा बनेगा खाली बोलता है, वोट लेगा इसके बाद कहाँ सुतल है कि कहाँ जनता मर रहा है, कोई देखने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं देखने के लिए, देखने तक नहीं आता है। कहाँ देखने, कोई कहाँ आता है। अच्छा वोट के बाद एक बार भी कोई नेता आया लेने के बाद? हम तो कोई नजर से नहीं देखे हैं इधर, कोई नहीं। कितना दुर्भाग्य है जिसको लोग बोलता है कि जनता का राज है, यहाँ जनता का शासन चलता है, जनता चाहेगा तो गिरा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है जनता का वोट लेकर के खुद मलाई खा रहे हैं विधायक जी, सांसद जी। हमको लगता है यहाँ से सांसद सुनील सिंह जी हैं चतरा लोकसभा से, और वो भी मलाई खा रहे हैं, उनको तो कभी मतलब नहीं है सुनील सिंह जी को। कि पंचायत में कभी इधर आए हैं कि नहीं, पता नहीं, कभी नहीं, नहीं। मतलब कितना बड़ा क्या लगता है भाई, ये रोड कभी बनेगा? अब आप लोग का, आप लोग जवान हो गए लगता है बचपन से,
इस बार देखते हैं, अगर जयराम महतो अगर चाहते तो इधर रोड बन जाएगा। अगर जयराम महतो खड़ा होगा तो मतलब जयराम महतो को आप लोग सपोर्ट करिएगा इस बार क्या? जी पूरी तरह से, पूरी तरह सपोर्ट। सब विधायक इधर वाला का सब देख करके बैठ चुके हैं, सबको देख के बैठ चुके हैं, और 10 साल से 15 साल हो गया अभी तक देख रहे हैं। लेकिन इस बार अगर देखते हैं, अगर जयराम महतो का कुछ कर सकते हैं तो बहुत काफी हम लोग के लिए। खाली रोड लगा हो जाएगा और इधर जितना सुविधा जो छोटा मोटा है वो हो जाएगा, बस उसी से हम लोग खुश रहेंगे। बाकी बात हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए मेरा नाम हुआ दिनेश पाहन, घरेसरी। अच्छा पाहन जी, क्या लगता है कभी जिंदगी में ये रोड बनेगा नेता मंत्री के? नेता मंत्री के रहते हुए तो नहीं बना है, मगर अगर वैसा कोई 2-3-4 इतना है, मंत्री है, नेता है, अगर वो सब चाहे अगर कुछ वादा करे कि हम लोग के वोट लेना है वहाँ से ग्राम हिसरी से, तो वो सब वादा करे कि कम से कम जो टूटी फूटी हम लोग के रोड मतलब 20 साल से है, वो रोड पर ध्यान देवे, यहाँ जनता पर ध्यान देवे, गरीब लोग पर ध्यान देवे, ताकि यहाँ सिंचाई हुए पानी का रोड का है ना, और मतलब नाला उला की सबके रोड हो जाए, पानी उनी कभी गिरता है कस का तो मतलब घर में घुस जाता है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस बार क्या सोचे हैं आप लोग? लोकसभा चुनाव आ रहा है तो सोचे है कि भाई अगर कोई अगर वैसा जैसे मोदी जो हो गया, हेमंत सोरेन हो गया, लड़ रहे हैं अभी, और फिर मान चले कि जयराम महतो हो गए, तो मान चलिए अगर वैसा अगर कोई काबिल नेता है तो मान चलिए वो अथी करे, लिखित देवे कि हम आप लोग गरीब दा दूर कर दे यहाँ से, कि रोड में आप लोग कभी सड़क बनवा दे, कभी चलते हुए कोई बूढ़ा गिर जाए चाहे जवाने गिर जाए इस रोड में तो मतलब टूट फूट जाए, गोड़ हाथ मुंह उतना चूर हो जाए, उसके पास पैसा नहीं गरीब के पास, कहाँ सुधार कर सकेगा वो, मर जाएगा। सामने में मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है, दवा सू करने वाला कोई आदमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो उस विचार में सोचना चाहिए कि भाई ऐसा गांव है तो भाई कुछ विचार। सुनील सिंह जी कभी आए यहाँ पे जो आपके सांसद हैं? सुनील सिंह तो चोर है, बैठ के वहां दलाली करते रहते हैं कि हमको वोट दीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। कहा बैनाथ राम है, कभी आए हैं फुलसुम जल्दी? फुलसुम श्रीम कभी देखा नहीं है कि रोड राम जी विधायक है, लेकिन विधायक जी भी नहीं पहुंचे, कभी नहीं आए हैं, साला चोर है। ये देखना चाहिए बच्चा सबको, जनता को देखना चाहिए कि मतलब कैसा विधि विधान में चल रहा है, कौन रास्ता में चल रहा है, कैसे है, वो सबके देखना चाहिए कि और व्यवस्था उवस्था है कि नहीं। यही तो अभी 2 महीना पहले जनमीरा आया है तो कर से कभी घर में पान जाता है, वो नहीं करता है। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झारखंड में नेता कोई लायक नहीं है, आप लोग किसको नेता फिर लायक मानते हैं और बनाना किसको चाहते हैं? देखिए अभी इस विचार में अगर आप नेता बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो यहां से कम वहां से वो चीज छोड़े यार, लिख के देवे वो सब के भाई आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से है, मतलब वोट के पहले अगर कोई सूचना भेज देवे तो हम लोग तैयार है उसका, मैंने उसके साथ आप लोग रहेंगे, तैयार रहेंगे उसके साथ रहिए, हाँ रहेंगे। अब दुर्भाग्य है, मतलब क्या ही कहे, झारखंड के गांव का हालत अगर यदि आपको देखें, आपको दिखाएं, लगातार तो दिखाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ बदलाव हो, लोगों का जिंदगी बदला जाए। और ये गाँव है जिस गाँव में हम लोग, देखिए पहाड़ पर्वत है और गाँव के समीप में है हम लोग, गाँव में मौजूदा जगह पे हम लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है चिल्ला चिल्ला करके थक जाता है इंसान, लेकिन एक गाँव तक कोई नेता मंत्री विजिट नहीं करने आता है। चुनाव से पहले 50 गो स्कॉर्पियो वहां लगेगा रोड पर और 50 गो बोलेरो लगेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी नेता गांव तक नहीं पहुंचता है, कभी समस्या के बारे में जानने का प्रयास नहीं करता है कि समस्या में गांव के समस्या में गांव में समस्या है क्या, कभी नहीं सोचता तक नहीं है। यह स्थिति है झारखंड के गांवों का। लोग बोलते हैं झारखंड समृद्ध झारखंड है, क्या खाक समृद्ध झारखंड है? सिर्फ कोयला होना, अबरक होना, बालू होना, पत्थर होना समृद्ध झारखंड नहीं कहलाता है साहब। सुखी समृद्ध झारखंड तब कहलाएगा जब ये गांव के लोगों के चेहरे पे खुशी हो और यहां गिरे तो नाक मुंह ना टूटे। यह है दुर्भाग्य है झारखंड का। अच्छा कैसा लगता है इस स्थिति को देख करके? भाई साहब आप युवा हैं तो हमको बहुत बुरा लग रहा है स्थिति का देखकर, जैसे सड़क की स्थिति का देखकर। क्या लगता है आप लोग, बदलाव बदलाव होगा क्या इस बार? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा। मतलब आप लोग जब हमारे नेता जब युवा नेता जीत जाएंगे ना तो हम लोग बदलाव खुद कर देंगे। अच्छा हम लोग एक चाहते हैं टाइगर जयराम महतो का, मतलब लातेहार में भी टाइगर जयराम महतो का लहर हाँ, है। हाँ लहर है, लहर है हाँ। अब देखना यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है सामने, फिर विधानसभा चुनाव है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, नेता मंत्री भी बदल जाता है, लेकिन गांव का हालत नहीं बदलता है, गांव का स्थिति नहीं बदलता है। नेता मंत्री का घर चार चार जगह बदल जाएगा, चार चार जगह हो जाएगा, लेकिन गांव के लोग जो है सो सिर्फ गांव में ही रह जाते हैं। और पिछले 2 दशक से मैं बात देख रहा हूं, झारखंड अलग हुए लेकिन कोई स्थिति परिस्थिति में सुधार नहीं होता है गांव में। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के गांव से, मेरा यह प्रयास, और उस लोगों तक पहुंचाइए जो बोलते हैं ना कि झारखंड विकसित राज्य है,
झारखंड में संपूर्ण लोग मतलब जो है सो स्वस्थ है, मस्त है, सड़क अच्छी है, उन तक पहुंचाइए और तमाचा दीजिए इस वीडियो के जरिए कि क्या है हकीकत हमारे गांवों तक, हमारे गांव के सारे जो है सो गरीब वर्ग मध्यम परिवार के लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। जब तक गांव में गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारा शहर का विकास नहीं हो सकता। रोजगार देने के लिए और रोजगार भी हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग सब रोजगार हैं। बहुत नेता मंत्री आते हैं रोजगार देंगे, कुछ नहीं देते हैं। जो आते हैं क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार, वो प्रकाश राम जी आए थे, बहुत मोदी जी हैं, वो सब आते हैं खाली कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं एक व्यक्ति पर। हम लोग ठान के कहते हैं अब 5 किलो का देते हैं, हम लोग के रोजगार दीजिए, 5 किलो जगह हम 5 क्विंटल खरीदने के लिए औकात रखते हैं। सही बात है, हाँ सही बात। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें 5 किलो अनाज दे करके हमको भटकाइए मत साहब, हमको रोजगार दीजिए, ये 5 क्विंटल खरीद सकते हैं उस रोजगार से। लेकिन लोग तो समझते नहीं है, एक गांव का लड़का इस तरह का कह रहा है, समझने वाली बात है। बस आप लोगों से अपील है, आप तमाम लोगों से कि आप लोग इस न्यूज को, इस वीडियो को उस नेता मंत्री तक पहुंचाइए जो कहते हैं कि समृद्ध झारखंड है। आग्रह आपसे, और बाकी आप क्या सोचते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।